उस गीत के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को इस राग के ऊपर जो भी गीत बने हुए हैं। तो सबसे पहला जो गीत मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारी एक फिल्म आई थी, फिल्म सिलसिले, उसका गीत। तो बिल्कुल उसका जो गीत है, टाइटल सॉन्ग, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए हैं, दूर तक निगाहों में गुल खिले हुए। और बहुत ही प्यारा एक गीत है जो कि हम लोग लाइव परफॉर्मेंस में गाते ही हैं। पंख होते तो उड़ आती रे रशिया बालमा। और वही गीत जो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था, तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। और एक बहुत ही प्यारा गीत है जिसे दो सिंगर्स ने गाया था, लता जी ने और साथ ही सर जी, मुझे याद है जहाँ तक, भूपेंद्र जी, सॉरी। दिल हूम हूम करे घबरा। और हाँ दोस्तों, एक और गीत है जो कि राग भूपाली का है, मगर इस फिल्म का नाम जो है भैरवी नाम है। और माना जाता है कि राग भैरवी जो है सबसे पहला राग है संगीत का, ऐसा कुछ विशेषज्ञ लोग जो मानते हैं संगीत के। ये स्वयं भगवान भोलेनाथ से उत्पन्न हुआ पहला राग है। तो वैसे तो मैं चर्चा भी राग भैरवी की नहीं कर रहा हूँ, मगर इस फिल्म की चर्चा कर रहा हूँ। इसका एक बहुत ही प्यारा भजन आया था और ये भोलेनाथ का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, दृष्टि सारी समाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो स्वर लगते हैं वो सा रे गा पा धा और सा, ये मुख्य स्वर है राग भोपाली के। और जब भजनों की बात हो रही है इस राग पर बने, तो एक और भजन है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। और एक बहुत ही प्यारा गीत है, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। और एक और भजन है, जाऊं जाऊं तोरे चरण कमल पर बलिहारी, बहुत ही प्यारे प्यारे ये बॉलीवुड के भी गीत हैं। और एक और जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, देशभक्ति गीत, तो उस गीत का नाम है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और इस गीत पर माँ तीव्र स्वर लगता है और साथ ही नी शुद्ध स्वर जब लगता है, तो
और इसका भी राग सात पे राग भूपाली तो है ही, मगर सात पे राग शुद्ध कल्याण राग हो जाता है इसका चेन के साथ। कुछ लोग शुद्ध राग कल्याण भी कहते हैं, मगर इसे मुख्य रूप से राग भूपाली के साथ ही जोड़कर गाया जाता है। और इस गाने पर माँ और नी एक वर्जित स्वर के रूप पे हम यूज़ करते हैं, और विवादी स्वर के रूप पे भी इसका हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं इस गाने के रूप पे भी। और इसी प्रकार इस पे दो विवादी स्वर माँ और नी बिल्कुल जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल इस राग में ये जो दो विवादी स्वर है जुड़कर इस गाने का भी रचना करते हैं। और राग भूपाली की एक मुख्य जो बातें हैं विशेषता है, राग भूपाली और राग देशकार में एक ही जैसे स्वर लगते हैं, जैसे कि सा रे गा पा धा सा। चूँकि ये दोनों ही राग जो है कुछ अंतर नहीं है, इन पे स्वरों का भी अंतर नहीं है, तो ये सब सेम ही है ये दोनों राग, बस एक डिफरेंस है, बट एक डिफरेंस है क्या, क्योंकि राग भूपाली में गा वादी है और राग देशकार में धा वादी है। तो ये इस प्रकार की आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हो, ये यूज़फुल वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी के साथ आप लोगों को अगर मुझसे गलती भी हुई है तो क्षमा चाहूँगा, और चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।